बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। बैहर चौकी रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर की नगरवासियों ने की मांग। सरकार बैहर चौकी रेलवे क्रॉसिंग के साथ अपना रही सौतेला व्यवहार। बैहर चौकी रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर की नगरवासियों से की मांग, जिसको लेकर सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार द्वारा बजट में सरेखा रेलवे क्रॉसिंग, भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग एवं गर्रा रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखा जाए तो ज्यादा जरूरत बैहर चौकी रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर की है, क्योंकि यहां से बैहर मलाजखंड रायपुर के लिए मुख्य मार्ग है। इसी रेलवे क्रॉसिंग से होकर बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं व मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस रेलवे क्रॉसिंग को लेकर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर नगरवासियों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं जानकारी देते हुए नगरवासियों का कहना है कि इस रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर बनने से बच्चों को बहुत ही फायदा साबित हो सकता है, क्योंकि यहां लगने वाला जाम करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक का होता है, जिससे बच्चे समय पर कॉलेज व स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में भी नुकसान होता है। लेकिन सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार इस रेलवे क्रॉसिंग के साथ क्यों कर रही है, यहाँ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ से जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक से बहुत परेशान है। जब गेट गिरता है ना, तो यहाँ से बाईपास तक पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, और भी बहुत सी परेशानियाँ एम्बुलेंस में है, बहुत सी परेशानियाँ बस ट्रक जो भी है। तो ये बैहर रोड क्या बालाघाट शहर में नहीं आता? ये आता है ना, मगर ये 3 ब्रिज का हुआ है, भटेरा और सरेखा का, हरगर्रा का। ये हमारा कहना है कि बैहर चौकी में भी बनना चाहिए, बनना बहुत जरूरी हो गया आज की डेट में। और अभी जो ब्रिज बन रहे हैं, उनके साथ साथ इसका भी काम चालू किया जाना चाहिए। अपना नाम बताओ। आनंद किशोर। ये रोड है तो क्या बालाघाट शहर में नहीं आता? आता है ना, शहर में ही आता है, नगर पालिका में आता है। तो अभी सरकार द्वारा 3 ओवर ब्रिजों की स्वीकृति दी गई है, इसको छोड़ दिया गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसको तो पहले बनना था, सरेखा क्या करते हैं, इसको ज़्यादा बनना था। यहाँ पर 4 पटरियाँ आती है, भरवेली लाइन आता है, जबलपुर लाइन आती है, कटंगी लाइन आती है, इसका तो पहला नंबर लगना था। तो यहाँ जब गेट बंद हो जाता है तो क्या समस्या निर्मित होती है? सबसे ज़्यादा तो कॉलेज जाते हैं बच्चे लोग, उनको दिक्कत होती है, स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, उनको दिक्कत होती है, नौकरी चाकरी वाले, काम धंधे वाले, उनको दिक्कत होती है। ट्रैफिक तो यहाँ से तो वहाँ तक कब्रस्तान तक चल जाते हैं। ये शहर को मुख्य मार्ग, क्योंकि बैहर मलाजखंड से मुख्य मार्ग ये है, इंडोरी मंडला भी यही जाती है रोड।